जनपक्ष ये कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर गिराए गए 408, जिन मंदिरों पर पूजा चल रही थी ऐसे मंदिरों को तोड़ दिया गया 1947 से लेकर आज तक। किसी को मिठाई की दुकान में बदल दिया गया, एक जगह को पब्लिक टॉयलेट में बदल दिया गया। ये कह रहे हैं कि आपने मुकदमे ही नहीं किए, हम सजा किसको दें? क्योंकि वहां पर हिंदुओं ने मुकदमे ही नहीं किए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मंदिर तोड़ा, तो हम सजा किसको देंगे जी, बताइए। जनपक्षी जवाब दे रहे हैं तो मुकदमे करते ना। बात यह है कि ये कौम दुनिया भर को पाठ पढ़ा रही है ह्यूमन राइट्स का, क्या वायलेशंस हो रही है, माइनॉरिटीज के बुरे हाल। जरा अपने गरेबान में झांकिए, 23% हिंदू आबादी होती थी, आज 1.6% के नीचे है साहब, 1.6% के नीचे है। ये आंकड़े अपने आप में सब कह देते हैं। एक बाबरी मस्जिद का आपने ऐसा तूफान खड़ा किया जबकि वो विवादित ढांचा था, वो मस्जिद भी नहीं थी, ठीक है साहब, विवादित ढांचा था। आपने 428 में से 408 मंदिर गिरा दिए हैं। आए दिन जो बचे खुचे हिंदू रह गए हैं, जिनको आप धमकी दे रहे हैं कि साहब वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उनकी बेटियां उठा उठा। हम धमकी नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाते तो इंशाल्लाह इंसान मिलता अगर गिरा होता, चाहे सिखों की। अरे साहब मुझे भी कह लेने दीजिए ना, बड़ी तहजीब से आप कहिए, आप कहिए हमारे जी, प्लीज प्लीज जी, थैंक यू। डिबेट में नहीं, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं आपकी बख्शी साहब, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था, देखिए साहब, शुक्रिया। मैं कह रहा था कि एक तो हमको पाठ पढ़ाया जाता है ना, आप प्लीज फिर पाठ ना पढ़ाए, पाठ ना पढ़ाए औरों को। यू नो हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट सिन, सबसे दकियानूसी जो एक जुर्म है वो है हिपोक्रेसी का। हम बड़ी बड़ी बातें करें, खुद तो करें उसका बिल्कुल उलट, और दुनिया भर को पाठ पढ़ाएं, दुनिया भर को पाठ पढ़ाएं। ये जो चीज है ये बहुत चुभती है कि साहब अपने गरेबान में भी झांक लीजिए, आपने क्या किया है अपनी माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा साहब, माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए, आपने क्या किया है अपने मुसलमान भाइयों के साथ, शियाओं का क्या हाल हुआ है, बलूचियों का क्या हाल हुआ है, सिंधियों का क्या हाल हुआ है, जो आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया रहते हैं उनका क्या हाल हुआ है, अहमदियों का क्या हाल हुआ है, और तो और छोड़िए पठानों का क्या हाल कर दिया आपने, अफगानिस्तान उनका मुल्क तो तबाह कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा मरा मरा के तबाह कर दिया साहब। तो साहब आप प्लीज प्लीज समझें कि अब क्यों दुनिया आपको इंटरनेशनल माइग्रेन, एक हेडेक समझना शुरू हो गई है। जो आपके आसपास वो आपसे दुखी, जो आपके देश में वो दुखी, ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे, ये फलसफा आपका है। और इससे ईरान आपसे दुखी, अफगानिस्तान दुखी, अब भारतवर्ष तो था ही दुखी, अब आपके साथ जो है बांग्लादेश वाले जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होते थे वो आपकी तरफ ताक के मुंह नहीं देखना चाहते। जब से वो आपसे आजाद हुए हैं देखिए उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर चढ़ रही है, देखिए वो कहाँ ह्यूमन इंडिसीज में जा रहे हैं, जीडीपी में जा रहे हैं। जब तक आपके साथ थे आपने लूट खसोट मचा रखी थी आपकी फौज ने। तो साहब आपको गरेबान में झांकने का वक्त आ गया है, टू पुट इट वेरी शॉर्ट एंड। नहीं झांकेंगे जनरल बख्शी, अभी आदत से मजबूर है, नहीं झांकेंगे। गरेबान में झांके, दीपक जी, कोई बात होगी तो जरूर झांकेंगे आप।